भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में आग लगाने वाले बयान पर विजयवर्गीय और उनके समर्थक अब भले ही सफाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। खरगोन से कांग्रेस विधायक, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संगठन प्रभारी महासचिव रवि जोशी ने विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया है। खरगोन में मुख्यमंत्री निकाह कन्यादान योजना में शामिल होने पहुंचे रवि जोशी ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि देश में भाजपा के नेता भड़काने का काम ही करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय अपने ही घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। बयान के बाद सफाई देने से कुछ नहीं होता, जनता ने बयान सुन लिया है और आने वाले दिनों में जनता भाजपा को जवाब देकर सिखाएगी। झारखंड महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं के बयानबाजी से जनता ने भाजपा को उखाड़ फेंका है। अब पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भाजपा का सफाया होगा। रवि जोशी का मानना था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की माफिया के खिलाफ की जा रही कार्यवाही जनहितैषी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। धरना देने वाले कैलाश भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आग लगाने की बात कही, जिसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कहूँ वो इंदौर को आग लगाने की बात करते हैं, वो अपने खुद के घर में आग लगा रहे हैं। मेरा कहना है कि देश में इस तरीके की राजनीति इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के बड़े नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करें जो जनता के बीच में साफ स्वतंत्र छवि बना के रखना चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जनता पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर थू थू कर रही है। अब वो सफाई कुछ भी देती रहे, जनता के बीच जो बात बोली थी वो चली गई है, जनता उस बात को देख। अरे आग लगाने का तो ये पूरे देश में आग लगाने की बातें करते हैं, इस तरीके की भाषा इस देश की जनता भोली भाली जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कई राज्यों में इस बातों के उदाहरण इनको सामने आ गए हैं कि इनको उन राज्यों से उखाड़ फेंका है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।